नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर एरिया में है शिलोंग। यहाँ का लोकल लैंग्वेज है खासी, जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, यहाँ पे 90% लोगों को हिंदी बोलना भी आता है एंड उनको समझ में भी आता है। अगर आपको शिलोंग आना है तो आपको गुवाहाटी होके आना पड़ेगा। पहले आपको पहुंचना होगा गुवाहाटी बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। वहां से आपको कार बुक करके आना होगा शिलोंग। तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाला हूं शिलोंग का काफ़ी सारा फेमस टूरिस्ट स्पॉट एंड उसके साथ कुछ अननोन हिडन प्लेस को। तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए मेरे साथ एंड तक बने रहें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नीचे में रेड बटन को क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जर्नी का पहला दिन। सो हम लोग अभी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ शियालदा से। तो शियालदा से हम लोगों ने कांचनकन्या एक्सप्रेस लिया है। कल सुबह हम लोग 4 बजे गुवाहाटी पहुँचेंगे, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब के लिए बाय बाय। मॉर्निंग 4:30 हम लोग पहुंच चुके हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी में कोविड प्रोटोकॉल देख के बहुत ही अच्छा लगा। जिसका भी सेकेंड डोज नहीं हुआ है, यहाँ पर आके आपको रैपिड टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको स्टेशन के बाहर जाने को मिलेगा। जिनका सेकेंड डोज हो गया है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाइए और यहाँ से एग्ज़िट ले लीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अवमान अवी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द माउंटेन मैन में। हम लोग गुवाहाटी पहुंच के वहां से अपना सेकेंड डोज का वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा के स्टेशन से निकल के एक कैब पकड़ लिया है एंड कैब पकड़ के हम लोग अभी चल रहे हैं शिलोंग में। हम लोगों का प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजेस आया हुआ है। हम लोगों ने सोचा था कि फर्स्ट डे हम लोग विज़िट करेंगे गुवाहाटी, बट हम लोग सोचे जब हम लोग सुबह 4 बजे गुवाहाटी पहुंच गए हैं तो हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें, तो चलते बने शिलोंग की तरफ। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मेघालय चेक पोस्ट पे। यहाँ पे आपको परमिट बनाना है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, आपका सेकेंड डोज हुआ है कि नहीं हुआ है। ये एक्चुअली आई इन्विटेशन है जो हम लोगों ने बना लिया है, गाड़ी का डिटेल्स देखे एंड होटल का डिटेल्स देखे, जहाँ पे आप रहने वाले हो, कितने दिन के लिए रहने वाले हो, सब डिटेल्स देखे आपको ये पास बनाना है, तभी आपको एंट्री मिलेगी मेघालय में। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको कहाँ से क्या करना है, क्या बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लेके प्ले स्टोर में जाके आई इन्विटेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद जो भी वहाँ पर रहेगा आपको फिल करना है, देन इस काउंटर में दिखाना है। यहाँ से आपको मिलेगा मेघालय के लिए एंट्री पास। यहाँ पे अभी खाली है बिकॉज हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे यहाँ पर आके पहुँच गए हैं, नहीं तो यहाँ पर 200-300 लोगों का लाइन लगा हुआ रहता है पास लेने के लिए। तो हमें अपना एंट्री पास मिल चुका है, तो हम लोग निकल पड़े शिलोंग तरफ। एक्चुअली हम लोगों ने शिलोंग में कोई होटल बुक नहीं किया था, तो शिलोंग पहुँचने के बाद हम लोगों को होटल ढूँढने में थोड़ा सा टाइम लग गया एंड फाइनली उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा सा होटल मिला। होटल का नाम है आइसलैंड पार्क रेसिडेंसी, बहुत ही अच्छा होटल है। हम लोगों ने लगभग 8-10 होटल विज़िट कर चुके हैं। उसके बाद फाइनली ये थोड़ा सा मार्केट से डाउन में है,
हम लोगों को मिला मार्केट से, आई थिंक 2 या 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, सो इट्स गुड। तो ये रहा होटल का रिसेप्शन, एंड रिसेप्शन से निकल के ये रहा पार्किंग एरिया, और हम लोगों ने रूम लिया था 2nd फ्लोर में। लिफ्ट भी है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सीढ़ी से जा रहा हूँ। एंड ये है हम लोगों का रूम। होटल में हम लोगों को कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी मिला था, तो हम लोग आके लगेज रख के फ्रेश होने के बाद फटाफट ब्रेकफास्ट किए, एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े शिलोंग साइट सीन के लिए। और ये रहा हम लोगों का निगम भैया, हम लोग इनके साथ इनके ही गाड़ी में 6 दिन तक घूमने वाले हैं। हम लोगों का पहला दिन, हम लोग विजिट करने वाले हैं सबसे फर्स्ट वार्ड्स लेक में। यहाँ पे हम लोग एंट्री फ्री देके अंदर घुसने वाले हैं अभी। सो हम लोग अभी आए हुए हैं वर्ड्स लेक। शिलोंग से हम लोग साइट सीन करने के लिए आज निकले हुए हैं। 4-5 साइट सीन करने का मन है, देखते हैं कितना दूर तक कर पाते हैं। लेक के अंदर एक खूबसूरत सा पार्क भी है जो बच्चे लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। इस लेक में बोटिंग करने का भी प्लेस है, अगर किसी को बोटिंग करने का मन हो तो इस पार्क में आप बोटिंग भी कर सकते हो। लेक से निकल के हम लोग चल पड़े स्वीट वाटरफॉल्स की तरफ। स्वीट वाटरफॉल्स, जिसको आप एक ऑफबीट एरिया भी बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो चाहे तो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं स्वीट फॉल्स की तरफ। स्वीट फॉल्स बहुत दूर है, यहाँ से बस दिख रहा है बट बहुत छोटा। मैं आपको रास्ता दिखा तो हम लोग कैसे उतर रहे हैं, डेंजर तो है ही, फिर भी कोशिश कर रहे हैं जितना दूर हो जाने की। ऊपर जहाँ पार्किंग एरिया है उसके साइड में ही वाटरफॉल्स देखने के लिए व्यू पॉइंट बना हुआ है, बट वहाँ से वाटरफॉल्स बहुत ही छोटा दिखता है। तो हम लोग साइड से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ से आप अगर चाहे तो नीचे वाटरफॉल्स जा सकते हो, बट आपको शायद 2 से 3 घंटा ट्रेकिंग करके नीचे उतरना होगा, फिर आपको 2 से 3 घंटा ट्रेकिंग करके ऊपर आना पड़ेगा। आप देख ही पा रहे हो व्यू पॉइंट से वाटरफॉल्स कितना छोटा दिखता है। हम लोग थोड़ा सा नीचे उतरे हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं उतरे हैं, बस कुछ फ़ोटो लेने के लिए। नवंबर के महीने में आपको
ऐसे ही कुछ दिखने को मिलेगा स्वीट फॉल्स। बारिश के मौसम में ये वाला वाटरफॉल्स भी बहुत खूबसूरत लगता है, बट नवंबर में भी कम खूबसूरत नहीं है। निगम भैया के बारे में आप लोगों को तो कुछ बोला ही नहीं है। शिलोंग टैक्सी स्टैंड से हम लोगों ने निगम भैया को हायर किया था। निगम भैया ड्राइवर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा गाइड भी है। स्वीट फॉल विजिट करने के बाद हम लोग निकल पड़े लाइट लूम के लिए। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लाइट लूम में। फर्स्ट डे साइट सीन का सबसे खूबसूरत जगह है ये लाइट लूम। इतना खूबसूरत व्यू है लाइट लूम का कि आप यहाँ पर पूरा दिन बिता सकते हो और आपको एक सेकंड के लिए भी ख़राब नहीं लगेगा। इतना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे हम लोग स्पेशली सनसेट को देखने के लिए आए हैं। यहाँ से सनसेट का अमेजिंग व्यू मिलता है। लाइट लूम विजिट करने के बाद उसके बाद भी दो साइट सीन का स्पॉट हम लोगों को विजिट करना था, बट यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा। हम लोग लंच करने के बाद यहीं पर ही रुक गए कि यहाँ का व्यू हम लोगों को देखना है और कहीं पर भी आज नहीं जाना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जल्दी से नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। हमें तो पता भी नहीं लगा कब 4 घंटा बीत गया। वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और कुछ भी शिकायत हो तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम दिन के आखिर में आके पहुँचे हैं लाइथम में। लाइथम में हम लोगों ने सोचा था कि बहुत सुंदर सनसेट दिखने को मिलेगा, बट मौसम क्लियर नहीं होने के वजह से सनसेट क्लियर नहीं दिख पाया। बट फिर भी जो भी दिखने को मिला है काफ़ी सुंदर था नज़ारा। तो फर्स्ट डे नाइट में हम लोग शिलोंग मार्केट मतलब पुलिस बाज़ार घुमा और साथ में स्ट्रीट फूड का भी आनंद लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। शिलोंग का सेकेंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।